म्यूट करती है अपने आप को। धन्यवाद। आज उत्तर क्षेत्र महिला प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित इस वेबिनार से जुड़े हमारे आदरणीय अतिथिगण, वक्तागण, हमारे आरोग्य भारती के परिवार के सभी बंधु भगिनीगण और अन्य सभी जो हमसे आज जुड़े हैं वेबिनार के जरिए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी को नमस्कार। जैसे कि हम कार्यक्रम का प्रारंभ धन्वंतरी स्तवन से करते हैं, तो उसके लिए मैं हमारी रीटा खन्ना जी, जो दिल्ली से हमारी आरोग्य भारती की छह महिला प्रमुख है, उनको आमंत्रित करूंगी कि वे समक्ष आए और धन्वंतरी स्तवन करें। रीटा जी। धन्यवाद मनिंदर जी। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और सभी का अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले धन्वंतरी स्तवन के लिए सभी आंखें बंद करेंगे और तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद धन्वंतरी स्तवन मैं बोलूंगी और सभी अपना माइक म्यूट रखेंगे। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। इनमें से एक गर्भ संस्कार है। भारतीय संस्कृति में ये माना गया है कि गर्भस्थ शिशु को संस्कारित किया जा सकता है और इसके दिव्य संतान की प्राप्ति की जा सकती है। इसके पीछे का कारण हमारी परंपरा में ये माना जाता है कि गर्भ में ही बच्चे का शारीरिक, मानसिक व व्यवहारिक विकास शुरू हो जाता है, जो माँ की शारीरिक भावनात्मक स्थिति पर बहुत निर्भर करता है। इसलिए गर्भ संस्कार माता के मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक तलों को आधार मानकर और या उसका आधार लेकर गर्भस्थ शिशु को पोषित करने की एक प्रक्रिया है। तो इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे आज की चीफ गेस्ट डॉक्टर आशा शुक्ला जी, जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी महुआ इंदौर से की वाइस चांसलर हैं। आप साथ ही हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे आज के मुख्य वक्ता, जो कि डायरेक्टर गर्भोपनिषद फाउंडेशन व सीईओ वेद गर्भ आयुर्वेदिक एंटीनेटल केयर कंसल्टेंट और इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर करिश्मा जी हैं। आप जामनगर से, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वेबिनार। धन्यवाद। अब मैं हमारे हिमाचल आरोग्य भारती के प्रोफेसर और डॉक्टर कपिल सोनी जी को आमंत्रित करूंगी कि वे डॉक्टर आशा शुक्ला जी का परिचय करवाएं। तत्पश्चात डॉक्टर आशा जी अपना वक्तव्य हमारे सामने रखेंगे। तो धन्यवाद मनिंदर जी। सर्वप्रथम मैं मनिंदर जी को, करिश्मा मैम को और आज की जो हमारी
मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर आशा शुक्ला मैम और सभी उपस्थित प्रतिभागियों को अपनी तरफ से नमस्कार प्रेषित करती हूँ। आज की मुख्य अतिथि का परिचय कराने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं मनंदिर जी का धन्यवाद करूंगी कि मुझे इस प्लेटफॉर्म से आपने ये अवसर दिया। तो आज की हमारी मुख्य अतिथि भी हैं प्रोफेसर आशा शुक्ला मैम, जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेज महुआ एमपी में वाइस चांसलर के पद पर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त वह महर्षि पाणिनी यूनिवर्सिटी उज्जैन का डीसी का एडिशनल चार्ज भी उनके पास है। इससे पूर्व वह वुमेन स्टडीज डिपार्टमेंट बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल एमपी में 25 फरवरी 2006 से हेड के पद पर कार्यरत थी। जर्नल ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड सेंसिटिविटी पब्लिश्ड बाय वुमेन स्टडीज डिपार्टमेंट बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल की एडिटर भी वह हैं। उनका फुल रिसर्च एक्सपीरियंस 30 साल से भी ऊपर है। इसके अतिरिक्त उनका टीचिंग एक्सपीरियंस भी 31 साल से ऊपर का है। एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो 20 साल से अधिक समय से कार्य कर रही हैं। उनकी 12 पुस्तकें पब्लिश हो चुकी हैं और 16 रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं। इसके अतिरिक्त वह एक महान विभूति हैं। उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, जिनमें किनायिका अवार्ड, नागरिक अभिनंदन अवार्ड इत्यादि शामिल हैं। तो मैडम प्रोफेसर आशा शुक्ला जी मैम का आज इस प्लेटफॉर्म पर, जो कि आरोग्य भारती की तरफ से आयोजित किया गया है, उसमें मैं सुस्वागत करती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि मैं अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। मैडम आशा शुक्ला मैम। नमस्कार, आरोग्य भारती के अंतर्गत आज जो ये विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसमें मैं सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहूंगी बड़े भाई डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी का, जिनके अनुरोध को आदेश मानकर मैं यहां उपस्थित हूं। आरोग्य भारती उत्तर क्षेत्र महिला प्रकोष्ठ की महिला प्रमुख मनिंदर कौर जी और हमारे साथ विषय विशेषज्ञ डॉक्टर करिश्मा नरवानी जी, साथ में जितनी साथी सहेलियां भाई बहन हैं, आप सबका स्वागत है। आखिर इस विषय पर बार बार बात करने की जरूरत कैसे हुई और क्यों, ये विचारण बात है। चूंकि आइए थोड़ा सा धर्म ग्रंथों के आधार पर, विभिन्न धर्मों के आधार पर और जो हमारा साहित्य है, जो हमारी संस्कृति है, उसके आधार पर इस विषय को समझने की कोशिश की जाए। एक बड़े प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट रहे हैं डॉक्टर अर्नोल्ड शेवेल, उन्होंने कहा यदि कोई भी गर्भवती स्त्री आधे घंटे तक क्रोध या विलाप मतलब बहुत ज्यादा दुख से रोना चिल्लाना कर रही हो, तो वो जो वक्त होता है, उस दरमियान जो गर्भस्थ शिशु है, उसके मस्तिष्क का विकास रुक जाता है और जिसका नतीजा ये होता है कि वो गर्भस्थ शिशु तुलनात्मक कम बौद्धिक क्षमता के साथ जन्म लेता है। यह महत्वपूर्ण बात हम सब बहुत गहराई से नहीं जानते, क्योंकि गर्भधारण की प्रक्रिया पति और पत्नी की प्रार्थना पूर्वक मुलाकात से शुरू होते जब तक बच्चा शिशु जन्म न ले तब तक चलती और स्वाभाविक है ये प्रक्रिया 9 से 10 महीने तक की होती है। अब 9 से 10 महीने का जो समय है,
वो अनेक परिस्थितियों के साथ गुजरता है, भावनात्मक उद्वेग, नाराजगी, खुशी, चिंताएं, जिम्मेदारियां, अगर आप नौकरी करते हैं तो दोहरी जिम्मेदारियां, समाज परिवार की अपेक्षाएं और आपकी स्वयं की चिंताएं और सोच, बहुत सारी चीजों पे आप फोकस समानता तो सोचते हैं, लेकिन आपका ध्यान ये नहीं जाता कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जिस तरफ भी आपकी विवलेंस जा रही है, वो संस्कार बनके आपके गर्भस्थ शिशु के अंदर स्वयमेव सहजता से जाता जा रहा है। तो जब उन्होंने कहा कि ये बात हम जानते ही नहीं, जानते भी हैं तो अक्सर हम भूल जाते हैं, गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क न्यूरॉन सेल्स से बना होता है। यदि मस्तिष्क में न्यूरॉन सेल्स की मात्रा अधिक है तो स्वाभाविक है कि स्वाभाविक रूप से शिशु के बौद्धिक कार्यकलाप अन्य शिशुओं की अपेक्षा बेहतर है। लेकिन चूंकि ये प्रक्रिया और समय लंबा होता है, इस वजह से ये बातें हमको ध्यान में नहीं। आप अक्सर अपने अगर वैदिक ग्रंथों को पढ़ें, अगर अपने सूर्य संस्कारों को देखें, समझें, पढ़ने के हिसाब से ना पढ़ें, चिंतन के हिसाब से पढ़ें, वजह के हिसाब से पढ़ें कि ये सूर्य संस्कार आगे बनाए क्यों गए, ऐसे ही बेफिजूल किसी ने लिख दिया या उनका कुछ अर्थ था, अर्थ था तो लाभ क्या था, व्यक्तिगत हमको, हमारे परिवार को, समाज को और देश और दुनिया लाभ क्या था। तो अगर उस परिप्रेक्ष्य में हम सब चीजों को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि हम बात अपने उस शिशु को कर रहे हैं जो कल को राष्ट्र का निर्माता बनने वाला है। तो वर्तमान समय में ये COVID-19 के दौर ने तो और समझाया कि सबसे ज्यादा जरूरत फोकस करने की है तो बच्चों पर और बुजुर्गों पर। जो माता पिता अपने बुजुर्गों को उनके ही द्वारा बनाए हुए घर के स्टोर रूम में धीरे धीरे शिफ्ट कर देते हैं, स्वाभाविक है उनका भी उन्हीं स्टोर रूम में जाना पड़ेगा। तो जो संस्कार, जो वातावरण हम करते जा रहे हैं, हमारे बच्चे सीखते जा रहे हैं। सीखने की प्रक्रिया एक तो हेरिडिटी में आती है और एक वातावरण में आती है। गर्भधारण संस्कार का संबंध हेरिडिटी वंशानुगत है। जरा इस बात को थोड़ा सा समझने की विस्तार में कोशिश करनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि हमारे बच्चे जो समाज और राष्ट्र का भविष्य है, वो ही हमारी प्राण ऊर्जा है। यदि इन्हें संवारा जा सकेगा तो हमें इन पे विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। एक सुसंस्कारित जो बच्चा है वो ही अपने माता पिता के नाम को उज्जवल और प्रकाशित कर सकता है। और अगर ऐसे सुसंस्कारित बच्चे पैदा करने हैं तो हमें कहीं ना कहीं उनके संस्कारों को, गर्भधारण संस्कार, संस्कार, सबकी वजहों को समझना, गहराई से समझना होगा और अपमानना पड़ेगा। एक बार मैं तो तमाम धर्मों में, मैं तो चूंकि रिसर्चर तो उसी दृष्टि से चीजों को समझने की कोशिश करती हूँ। साइंस और स्पिरिचुअलिटी का संबंध अगर जोड़ा जाए तो बहुत सारी चीजें आपको देखती। एक धर्म ग्रंथ में एक किसी ने प्रश्न किया कि बच्चे की शिक्षा दीक्षा कब से प्रारंभ है। उस धर्म के भगवान ने जवाब दिया कि 100 वर्ष पहले। बच्चा जब पैदा हो तो 100 वर्ष प्रश्न पहले आया कि यह कैसा जवाब है। बच्चे का अस्तित्व ही जब 100 वर्ष पूर्व नहीं है तो उसको कैसे कैसे किया जाए। नहीं, बच्चे का अस्तित्व, उसके बाबा, उसकी दादी, उसकी नाना नानी, परबाबा परदादी, जो हेरिडिटी में वंशानुगत जीन्स आते हैं इसी क्रम से आते हैं। अगर कुछ लोग मनोविज्ञान और आप लोग तो चूंकि डॉक्टर्स हैं तो अगर उन चीजों को समझते होंगे तो पता चलता है कि कहते हैं ना कि इसकी नाक इसकी दादी की जैसी है, इसकी आंखें इसके बाबा जैसी है, ये नानी जैसा है। क्यों? ये अकेली शारीरिक कायाकल्प नहीं आता,
अंदर का भाव भी आता है, चरित्र भी आता है। कहते हैं ना कि अच्छा ये उस परिवार का है, उस कुटुंब का है, क्या ये वही 100 वर्ष का रिश्ता है जो धीरे धीरे उसके अंतर्गत आता है। और इस मनस्थिति में उस बच्चे के आचार, उसके संस्कार, उसके पिता के माध्यम से बच्चे के रहन सहन आचार विचार में आ जाते हैं। एक उदाहरण आप देखिए, भगवान राम जैसे महापुरुष का जन्म रघु अज और दिलीप आदि पितामहों के तप की परिणति थी, और योगेश्वर कृष्ण का जन्म देवकी और वसुदेव के कई जन्मों का पुण्य फल था। इसी तरह अगर आप देखो 18 पुराणों के रचयिता भगवान व्यास का जन्म भी जब हुआ, जब उनकी 5 पितामह पीढ़ियों ने घोर तप किया, मनुष्य द्वारा की गई भक्ति और तप ही उसे इस योग्य बनाती है, संस्कारों को श्रमण करके उसमें शुभ संस्कारों का बीजारोपण कर सके। यदि व्यक्ति अपने कुसंस्कारों के श्रमण हेतु कोई तप नहीं करता, तप से मतलब ये नहीं है कि समाधिस्थ नहीं होना चाहता, तप से मतलब है तपस्या, तपस्या जो उसके आचरण में है, जो उसके चित्त में है, और वैसा ही जीवन व्यतीत करते हुए अपने परिवार की वृद्धि नहीं करता है तो उसके संस्कारों जो कुसंस्कार बन जाते हैं अनजाने में, वो उसकी संतानों में आ जाएंगे। कहते हैं कि जैसा पिता वैसे ही पुत्र, तो कई पीढ़ियों से जो आते हुए संस्कार हैं वातावरण की देन से पनपते हैं और वो संस्कार और कुसंस्कार में परिवर्तित हो जाते हैं, जो या तो पूरे परिवार की और समाज की स्थिति को बहुत पॉजिटिविटी से बदलते हैं या बहुत ही घातक सिद्ध होते हैं। एक और स्वामी विवेकानंद जी का आप लोगों को जरूर ध्यान होगा, उन्होंने कहा था कि यदि माता पिता बिना प्रार्थना किए बच्चे को संतान उत्पत्ति करते हैं तो ऐसी संतान अनिवार्य है और समाज पर भार स्वरूप है। आर्य संतानें वे ही हैं जो माता पिता द्वारा भगवान से की गई निर्मल प्रार्थना के फल से उत्पन्न होती है, वे ही परिवार समाज और राष्ट्र का साधन करते हैं। एक बार भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी की परीक्षा दी। आपको वो सूत्र का प्रसंग तो याद होगा कि किस तरीके से सौंदर्यवती बनके सूत्रनखा ने राम और लक्ष्मण के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा था। तो लक्ष्मण जी की परीक्षा लेते हुए प्रभु श्री राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, सुंदर पुष्प, पके हुए फल और मदमस्त यौवन देखकर ऐसा कौन है जिसका मन विचलित न हो जाए। तब लक्ष्मण ने उत्तर दिया, आर्य श्रेष्ठ भ्राता श्री, जिसके पिता का आचरण सदैव से पवित्र रहा, जिसकी माता पतिव्रता रही हो, उनके रज और बीज से उत्पन्न बालकों की मन पफी चंचल। आप अशोक वाटिका में सीता का उदाहरण देखिए, रावण जैसे सोने की लंका वाले वातावरण में भी वो एक तिनके की ओट से अपनी रक्षा कर रही थी उसकी संस्कार। ये जो हम आपसे बात शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अक्सर शोध अध्ययनों में ऐसा देखा जाता है कि गर्भकाल के दौरान जो माताएं मधुर संगीत सुनती हैं, उन्होंने संगीत का मान के कोई प्रशिक्षण लिया हो, तो उनके बच्चे सुरीले और मधुर कंठों में पैदा हुए। जिन माताओं ने चित्रकारी लेखन अच्छी पुस्तकों का अध्ययन किया उनके बच्चे उसी तरीके से वैचारिक योग्यता वाले हुए। इससे ये पता स्पष्ट होता है कि गर्भकाल में माता को दिया गया प्रशिक्षण उसके बच्चे में वही गुण विकसित करने का सबसे अच्छा माध्यम है। महाभारत की यह घटना को आप पुनर्स्मरण करें कि महाभारत युद्ध के समय एक दिन द्रोणाचार्य ने पांडवों का वध करने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। उस दिन चक्रव्यूह का रहस्य जानने वाले एकमात्र धनुर्धर अर्जुन को कौरव बहुत दूर भटका के ले गए और पांडवों के पास चक्रव्यूह भोजन का कोई उपाय नहीं था, लेकिन जब भरी सभा सन्नाटे में जीत चक्रव्यूह का भेदक कौन करे, तब 16 वर्षीय राजकुमार अभिमन्यु ने खड़े होकर कहा, मैं चक्रव्यूह का भेदन करना चाहता हूँ।
युधिष्ठिर ने शाश्वत पूछा कि पुत्र तुमने ये चक्रव्यूह वेदन कहाँ सीखा? ना तो मैंने सीखते देखा ना सुना, तो मेरे सामने पले बड़े। तब अभिमन्यु ने कहा, पिता जब मैं अपनी माता के गर्भ में था तब, और माता को तब पिता ने ये पूरी बात सुनाई थी, पूरी कथा सुनाई थी, लेकिन माँ को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई। तब मेरे पिता अर्जुन पास ही थे, माँ का दर्द मटाने के लिए जब उन्होंने पूरी ये प्रक्रिया करी तो छह द्वारों के भेदन को कि कृपया तो मेरी माँ ध्यान से सुनती रही, और गर्भ में बैठा हुआ मैं भी सीखता चला गया। पर सातवें और अंतिम द्वार भेदन को सुनने से दूर मेरी माँ को निद्रा, और ये वो पल है निद्रा का जब वो संस्कार उस बच्चे में नहीं जाता है, और ये बतलाने की जरूरत नहीं कि छह द्वार को तोड़ने वाला अभिमन्यु सातवें द्वार अपने पूर्व कौरवों की पूरे चक्रव्यूह का शिकार। एक और बड़ी शोध में अमेरिका में एक बच्चा जन्मा, तो उस बालक की बहुत ज्यादा चर्चा हुई जब मैं उसको पढ़ रही थी, जब से मनिंदर कौर जी का तो उस बालक की आंखों में जे और डी ऐसे अक्षरों की आकृतियां उभरी। वैज्ञानिकों ने बहुत जांच की पर इसका कारण वो नहीं जान पाए। आखिर इस गुत्थी को एक मनोवैज्ञानिक ने सुझाया, बालक की माता ने उन्हें बताया कि मैं अपने विद्याध्ययन काल से जीन निरीक्षण की विद्वता से प्रभावित थी। मेरी सदा से ये इच्छा रही कि मेरी जो संतान हो वो जीन निरीक्षण की तरह विद्वान है। पर और जिस इस बात की जब भी मुझे याद आती, मैं दीवार या कॉपी पर जे और डी अक्षर लिख लेती थी, और जिससे उनकी स्मृति गहरा जाए। उसने ऐसी कई कॉपियां और कई किताबें दिखाई जहां उन्होंने जे और डी लिखा हुआ था। वही जे और डी गर्भ संस्कार के दौरान बच्चे ने सीखी और उसके आंखों में वो आकृति होती। ये रिसर्च कहती है कि जीवात्मा के अवतरण और उसकी विकास यात्रा में योगदान देना माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये माता पिता का दैहिक मिलन नहीं है जो बाय चांस और बाय इत्तफाक से हुआ जाया करता है। ये पिता गर्भधारण में केवल सहयोग प्रदान करता है, और उस गर्भ को पल्लवित और पुष्पित करने का कार्य माता के माध्यम से होता है। इसलिए पिता की अपेक्षा माता का उत्तरदायित्व इसमें अधिक है, क्योंकि बीजारोपण भले ही पिता करे लेकिन उसका पल्लवन और पुष्प माता के गर्भ में है। तो जो कुछ माँ, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरी मदर इन लॉ सवेरे जब मेरे बच्चा पैदा होने वाला था, पहला बच्चा, तो हमेशा कहती थी बहू सबसे पहले उठ के सफेद गरीब खालिया करो, बच्चे की आंखें बड़ी बड़ी होती है, बच्चा गोरा होता है। अलग तरीके थे लेकिन वो गर्भधारण संस्कार के समय की बात थी। मिश्री खालिया करो, बच्चा पहला भोजन बच्चे को मीठा मिलना चाहिए, पौष्टिक मिलना चाहिए। आप माखन मिश्री से इसको जोड़ के देखिए तो आपको इस तरीके की चीजें मिलेंगी। मुझे इसके अगर हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी के संदर्भ में भी देखें तो विज्ञान मानता है कि माँ जो खाती है, गीत संगीत सुनती है, उसके मन में जो विचार और प्रवेश जो उसे महसूस होता है, उस सब से मेटाफिजिकल मार्फोजेनिक फोर्स जिसका गर्भस्थ सिर्फ के सब कॉन्शियस पर 80% का प्रभाव है। माँ के खाने परवेश आदि का प्रभाव विकसित होते शिशु के मानसिक शारीरिक विकास पर पड़ता है, और अक्सर आप देखिए पैदा होने के बाद बच्चे को अगर आप ऐसे सीने से चिपटा दें तो बच्चा चिपटना चाहिए। भावनात्मक संबल अगर आप अपने बच्चे को देते रहे, बच्चा पैदा हो की जगह बेटा पैदा हो जो लोग कहते हैं, आप स्वयं ही सोचिए वो आने वाली बेटी को कितना अनवेलकमिंग लगता है। मतलब मैं आपके घर आ रही हूँ और आप मेरे किसी भाई का नाम देके पुकारे तो मुझे कैसे लगेगा? और 9 महीने तक हर तरह के गर्भ संस्कार में बेटा हो,
बेटा हो हम यही कहते रहते हैं, संतान हो ऐसा नहीं बोलते। ये संस्कार जो हम लोगों से चूक होती है उस पर भी विचार करना चाहिए। मैं एक प्रहलाद का प्रसंग के साथ इस बात को समाप्त करती हूँ कि जब हिरण्यकश्यप तप करने के लिए गए और उनकी पत्नी दयादु को इंद्र आदि देवताओं ने बंदी बना लिया और उसे मृत्यु दंड देने की बात विचार आज कर रही थी, दयादु गर्भवती थी, तो जब दंड देने में बात आई तो उसी समय महर्षि नारद आ गए, क्योंकि देवताओं को ये चिंता थी कि एक और असुर पैदा होगा और वो उन लोगों का विनाश करेगा। महर्षि नारद ने कहा कि इनको मैं अपने घर में रखता हूँ माता को, और जब वो महर्षि नारद के साथ माता तैयार हो जाती और उस वातावरण में रहती है, उस आश्रम में रहती है, वो आचार व्याचार खान व्यास प्रवेश जब उन्हें सब कुछ देवताओं जैसा होता है, तो इसका प्रभाव ये होता है कि हिरण्यकश्यप का जीव स्विच होकर गर्भावस्था में देवत्व के जीव में परिणित हो जाता है। प्रहलाद आपको इन आध्यात्मिक कथानकों में हो सकता है अंश मात्र कुछ जोड़ घटा, लेकिन मुख्य बात क्या है, जिस संतान के साथ राष्ट्र का भाव हुआ है उतना भी बड़ा व्यापक प्रदर्शन न ले, आपके जीवन का भाव जुड़ा है जिसको आप खुद स्वागत करके ला रहे हैं, क्या उसके लिए मैं सिस्टर शिवानी को सुन, एक महिला थी गर्भस्थ थी, बहुत ज्यादा क्रोध कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि सिस्टर ये आपके लिए ठीक नहीं है क्रोध करना, इससे आपके बच्चे पे फर्क पड़ेगा। बोले ऐसा थोड़ी होता है बच्चों पे फर्क पड़ जाए मेरे क्रोध का, नहीं माना, कुछ लोग नहीं मानते। इतने में उनका 5-6 साल का बच्चा आया वहां पर, जो और बड़ा बच्चा रहा होगा, उनका सिस्टर आप हमसे कह रही थी लेकिन ये बच्चा बहुत क्रोध करता है मेरा, इसे आप समझा दीजिए। सिस्टर शिवानी ने उनकी तरफ देख के कहा कि आप आज नहीं समझ रही हैं और अगले बच्चे में यही संस्कार डाल रही है, भी आपने यही किया होगा वो संस्कार इस बच्चे में, इसको कैसे समझाया जाए। बिगड़ी बात को बनाने के लिए हम माता पिता एक पूरी पारिवारिक संतति परंपरा इन संस्कार से जोड़ा जाना चाहिए, और मेरा तो निश्चित तौर पर आग्रह है कि ऐसे पाठ्यक्रम अनिवार्य तौर पर इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि अगर ये हमारी नई पीढ़ी वो अच्छे संस्कारों के साथ अनजाने में हम अगर नहीं ला गए तो अगर हम समझ जाएंगे अधिकांश लोग लाने की कोशिश करें। महेंद्र जी आपने हमें बुलाया, सबसे हमको जोड़ा, इसके लिए धन्यवाद। आशा जी आपने हम लोग जानते हैं आज का ये जो हमारा साइंटिफिक युग है और हम लोग जो कुछ भी बिलीव करने से पहले हम लोग एविडेंसेस की तरफ देखते हैं कि क्या एविडेंस है, तो आपने बहुत ही खूबसूरती से जो हमारे सामने एग्जांपल्स रखे हैं वो एविडेंसेस है हमारे लिए, वो जो प्रस्तुत किए हैं कि माता पिता की जो निर्मल प्रार्थना है और जो सुसंस्कार है उसके फलस्वरूप ही जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वे ही समाज और देश को जो है उनका उत्थान कर सकते हैं। तो ये हम जो कह सकते हैं गर्भ संस्कार है ये केवल पुरातन काल में ही नहीं बल्कि आज के समय की जो है वो ज्यादा उसको आज के समय में ज्यादा जरूरत है इसकी, तो हमें ये घर घर तक हर जन जन तक हमें इसकी उपयोगिता को पहुंचाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस तरह के आरोग्य भारत की जो है ये हम लोग ये विचार सबके समक्ष रखते हैं, उसी के फलस्वरूप आज ये वेबिनार भी किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना वक्तव्य हमारे सामने रखने के लिए धन्यवाद। अब मैं हमारे आज की वक्ता डॉक्टर करिश्मा नरवानी जी के परिचय के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी जम्मू कश्मीर महिला व योग प्रमुख सुषमा जी, आप उनका परिचय कराएं, तत्पश्चात डॉक्टर करिश्मा अपना वक्तव्य जो हमारा विषय है हमारे समक्ष रखें।
सुषमा जी। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती आशा शुक्ला जी, मुख्य वक्ता डॉक्टर कृष्णा जी, वेबिनार की ऑर्गेनाइजर श्रीमती हरिंदर कौर जी, आरोग्य भारती के सभी कार्यकर्ताओं और आए हुए श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज मुझे इस वेबिनार की मुख्य वक्ता डॉक्टर कृष्णा निर्वाणी जी का परिचय देने का दायित्व मिला है। डॉक्टर कृष्णा जी किसी परिचय की मोहताज नहीं, फिर भी औपचारिकता निभाते हुए मैं चंद शब्दों में उनका परिचय देती हूँ। डॉक्टर कृष्णा जी का लक्ष्य है प्राचीन आयुर्वेदिक गर्भ विज्ञान को समाज में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना। डॉक्टर कृष्णा जी जो है शी इज BAMS दैट इज बैचलर ऑफ आयुर्वेद इन मेडिसन एंड सर्जरी फ्रॉम गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर। एट प्रेजेंट शी इज डायरेक्टर गर्भोमिश फाउंडेशन, CEO हेड गर्भा आयुर्वेदिक एंटीनेटल केयर। ही इज कंसल्टेंट एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट जामनगर एंड चीफ फिजिशियन आरोग्य केंद्र जामनगर गुजरात। शी इज ऑल्सो कंसल्टेंट एट कामरी गर्भ संस्कार केंद्र राजकोट और काफी दूसरी जगहों पर भी ये अपनी सेवाएं जो है वो देती रहती है। अब मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर कृष्णा जी से कि अपने विचार हम सबके सामने रखें। डॉक्टर कृष्णा जी करिश्मा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हैं। अभी नहीं हुआ जी, अनम्यूट कीजिए। अभी अभी भी नहीं हुआ जी। नहीं आ रही है जी। अच्छा आवाज तो आ रही है, हमें नहीं आ रही है जी। अब आ रही है, अब आ रही जी। अनम्यूट करना पड़ेगा, हमें आ नहीं रही आवाज। करिश्मा जी अनम्यूट कीजिए, अभी भी नहीं हुआ आपका। देखिए प्लीज। हाँ सबको नमस्कार। पहले तो मैं अभिनंदन करना चाहूंगी मनिंदर जी का। जिन्होंने भी अच्छी तरह से दर्शन स्थान क्या है उसका हमारी संस्कृति के साथ उन्होंने जिसे उसे जोड़ा, और कहीं वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। एक एक का नाम ले सकती हूँ लेकिन नाम नहीं लूंगी टाइम की मर्यादा को देखते हुए। अपने प्रेजेंटेशन थ्रू आपके सामने विषय रखूंगी। मनिंदर जी ने जैसे मुझे समय दिया है 35 मिनट्स का, तो मैं मनिंदर जी को ही बोलूंगी कि वही मुझे याद दिला दे मेरा समय खत्म हो, कि मुझे जो दंपतियों की एक साथ Oh.
दिख रहा है मनिंदर जी? हाँ दिख रहा है। हाँ जी दिख रहा है। पर जो आपके सामने जो विषय है उस शब्द से परिचित हुआ है। तो क्या है ये सब? हम क्यों इतने डरे हुए हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारी क्या क्या गलतियां हैं। हम जिस जीवन शैली को फॉलो कर रहे हैं उस जीवन शैली जो है वो क्या कर रही है, क्या इफेक्ट हो रहा है उसका हमारे बॉडी पर। वो जो है वैसे तो अभी ठीक है कि हम पति एडमिट करना। एडमिट क्यों नहीं हो रहा? हो नहीं रहा। सभी लोग हर घर में हर घर को सर्वे करें तो कोई घर ऐसा खाली नहीं है जिसमें ये कोई डिजीज देखने ना मिले, और कोई परेशानी भी नहीं है। जैसे हमने इन सब बातों को एक्सेप्ट कर लिया। मुझे कहना तो ये है कि ये सब जो हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स हैं वो इतने कॉमन होते जा रहे हैं। इसकी एज जो है आज 40 प्लस न रहते हुए इससे आगे जा रही है, और इससे ये जो हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाते हैं, और वो जो है अगर मैं इसमें जेनेटिक साइंटिस्टों के ओपिनियन की अभिप्राय की बात करूं तो उनको अभिप्राय तो ऐसा है कि जितना चेंज हमारे जेनेटिक्स में पूरा हजारों सालों में नहीं आया था इतना ही चेंज अभी 100 सालों में हो रहा है। जैसे अभी मैडम बात कर रही थी कि जो बात की उन्हें महाभारत के समय की, उस समय की बात की। अभिमन्यु का भी उदाहरण उन्होंने बताया कि जितने जिसकी आयु कितनी थी जब उसने महाभारत का युद्ध लड़ा था वो सिर्फ 14 साल का। अरे उसके पिता अर्जुन की जो आयु थी वो तो 84 साल की थी। 84 साल में उनमें कितना पराक्रम था, कितनी शारीरिक क्षमता थी। आज तो हम 40 साल में अपने हाथ है वो नीचे कर देते हैं कि भाई अभी कोई नया इनिशिएटिव नहीं ले पाएंगे। तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है जिसको हम कह सकते हैं जेनेटिक डिटोरिएशन। ये जो हो रहा है अनुवंशिक गिरावट, ये जो देखने मिल रही है जिस पर ये जो बात है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम आगे वाली जनरेशन का तो अस्तित्व अभी ला पाएंगे या नहीं, और ला पाएंगे तो उनको कितनी हम हेल्प दे पाएंगे। एक बड़ा सॉफ्ट क्वेश्चन मार्क हमारे सामने। दूसरी बात मैं रखना चाहूंगी कि हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे सामने आज रोल मॉडल बन के बैठा हुआ है, ऐसा यूएसए अमेरिका जहां पे एक रिसर्च चल रहा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करके। आप अपने गूगल की सर्च इंजिन में डालेंगे आपको पता चलेगा कि ये जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत जितने भी जेनेटिक डिसीज है, आज जो 21 डिसीज है उसको डिटेक्ट कैसे किया जाए, उसकी जो किट है वहां बन रही। जैसे कि अभी जो कोविड किट जो आरटीपीसीआर टेस्ट उसके लिए जो किट बन वो हमारे सामने वहीं से आएगी। लेकिन ट्रीटमेंट नहीं,
वही शायद जेनेटिक डिजीज के लिए वही है सिचुएशन कि वहां पे उनको डिटेक्ट कैसे किया जाए, क्या है ये जेनेटिक डिजीज, उसके लिए बहुत रिसर्च हो रहा है। पर नो ट्रिक, तो मैं बताना ये चाहूंगी कि ये कॉन्सेप्ट जीन्स क्या है, जेनेटिक क्या है, जेनेटिक डिजीज क्या है, जेनेटिक डिजीज को रेजिस्ट कैसे कर सकते हैं, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। हम कहीं ना कहीं हम जो बातें कही जाती है एक वर्ड में, हम कहीं ना कहीं उसके लिए समझ नहीं पाते हैं। जैसे मनुस्मृति ने हजारों सालों पहले ये डेफिनेशन दी कि संतति अविच्छिन्न धारा, गोत्र पंच परंपरा, पंच संतानम संतयते तनु विस्तरे। संतति की ये डेफिनेशन तो हम समझ नहीं पाए कि संतति अविरत प्रक्रिया चलने वाली अविच्छिन्न धारा है, अविरत चलने वाली प्रक्रिया है जिससे गोत्र वंश परंपरा आगे बढ़ती है। वही डेफिनेशन जब हमारे सामने ये होके आई कि डीएनए सीक्वेंस मेंटेन जनरेशन टू जनरेशन, तो शायद हम उसे समझ पाए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारे शास्त्रों से हजारों सालों पहले ये सब बातें बहुत विश्लेषण के साथ कही हुई। अतुल्य गोत्र से रजशयान थे आचार्य चरक ने अपने जो अतुल्य गोत्रीय अध्याय में बताया हुआ, उसका जो टाइटल है अतुल्य गोत्रीय अध्याय, और उसमें बताई हुई पहली बात या तो लिए गोत्रीय रजशयान थे कि एक दंपति को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को श्रेष्ठ लाना है तो उसकी पहली शर्त है कि उसका गोत्र एक नहीं होना चाहिए। गोत्र यानी हमारा जेनेटिक मेकअप, ये जो हमारे अलग अलग गोत्र हैं, तो ये जो है जेनेटिक मेकअप अगर एक होगा तो उससे डिजीज आने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। जैसे हम जानते हैं कि थैलेसीमिया माइनर दोनों को है तो आने वाले बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। थैलेसीमिया इज ए सिंगल जीन डिसऑर्डर, वो अगर दोनों पे है तो थैलेसीमिया मेजर होगा। तो ये जो यही बात जो हमारे ऋषि मुनि हमें समझा रहे थे एक वर्ड में कि एक गोत्र नहीं होना चाहिए, वही बात थी कि वो जिम्मेदार है जेनेटिक डिजीज को लाने के लिए। तो हमें पता है हमारी जेनेटिक पैटर्न क्या है, उसमें कहाँ कहाँ क्या डिफॉर्मिटी है, तो कौन से डिजीज आने की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन जो आचार्य चरक ने बहुत डिस्क्रिप्शन में ये बताया कि कहाँ कौन सा बीज बीज भागावय कहाँ प्रभावित होगा और उससे कौन से डिजीज आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, बीज बीज भाग बीज भागावय के बहुत डिटेल में आचार्य चरक ने आचार्य सुश्रुत ने बताई हुई है। ये वही चैप्टर है जिनमें ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो ये जो है जो, और इसी को ही ध्यान में रखते हुए ये ही क्योंकि ये और मनुस्मृति का इस आदेश को सामने रखते हुए कि आर्यावर्त का एक एक नागरिक अपने चरित्र से इतना महान बने कि जो दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाए, इसी आदेश को सामने रखते हुए इसी को एम बनाते हुए गर्भविज्ञान अनुसंधान केंद्र जामनगर ने इसकी एसओपी बनाने का काम, इस शास्त्र में जो बातें कही गई है उस पर एक उसका प्रोटोकॉल तो बनाना पड़ेगा, और वही प्रोटोकॉल जो बना वो गर्भविज्ञान अनुसंधान केंद्र ने, आज से वो काम 17 साल पहले वो शुरू हुआ, जिससे ये काम जब शुरू हुआ था पूरी शास्त्र सम्मत बातों को सामने रखा गया। भाई कहाँ बात की गई है शास्त्रों में उत्तम संतति के लिए, उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल बताया गया है, उसको आज हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे, वो सब दंपति जो इच्छते हैं अपनी जनरेशन को श्रेष्ठ लाना तो वो कैसे अप्लाई कर पाएंगे, उसी को ही सामने रखते हुए पूरा प्रोग्राम बना। जब ये काम शुरुआत हो रही थी तो इतिहास को भी टटेला, इतिहास में भी कहाँ कहाँ ऐसे एग्जाम्पल दिए गए जो मैडम ने आगे बताया कि भाई ऋषि कश्यप और दीति के यहाँ हिरण्याक्षर कश्यप जिसे राक्षस कृति के दानवों का जन्म कैसे हुआ था, तो जो गर्भाधान था वो समय प्रॉपर नहीं था, वो थी संध्या काल, तो गर्भाधान यानी उत्तम आत्मा को लाने की प्रक्रिया, अगर वही आत्मा ही सही नहीं आई तो फिर वो आगे उसका जो है वो डेवलपमेंट सही नहीं हो सकता। वही हिरण्यकश्यप की शादी कयाधु से हुई, कयाधु ने निश्चय किया कि अपने बच्चे को उसे अपने जैसा अपना पति है वो क्वालिटी अपने बच्चे में नहीं चाहिए, तो नारद जी ने उसके लिए जो व्यवस्था की गई कि शुक्राचार्य जी के आश्रम में उसकी प्री एंटीनेटल केयर का प्रोटोकॉल उसे वहां फॉलो करवाया गया, जिसके फलस्वरूप प्रहलाद का जन्म हुआ था। हर एक एग्जाम्पल की बात तो यहाँ से टाइम की हमारी लिमिटेशन की वजह से नहीं करती, लेकिन ऐसे अनेक एग्जाम्पल, रानी मदालसा तो ऐसी थी कि जो पहले से ही कहती थी कि मेरा आने वाला बच्चा है वो संगीतकार बनेगा चित्रकार बनेगा, जब आया कि रानी थी
राज के कारोबार के लिए एक व्यक्ति को देना था। तब आया कि अभी मेरा चौथा बच्चा जो राज का कारोबार संभालेगा। तो यहाँ सभी एग्जाम्पलों को मैं आपको डिटेल दे सकती हूँ, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब कहानियां नहीं, ये सब थी ऐसी साइंटिफिकल प्लान प्रोसीजर थी कि जैसे इन व्यक्तियों का जन्म हुआ था। कहीं ना कहीं ये जो एग्जाम्पल है वो हमें बताते हैं कि तभी ये सब गर्भ संस्कार का नॉलेज था, उसको फॉलो किया जाता था और ऐसे व्यक्तियों को लाया जाता था। आज भी हमारे सामने जो भी कपल आते हैं जो चाहते हैं कि उनका बच्चा कैसा हो, फिजिकली जो भी अच्छी क्वालिटीज हैं वो उनके बच्चे में हो, मेंटली अच्छे, जो आज के जो शब्दों में कहें तो जो स्मार्टनेस चाहिए, बच्चा ब्रिलियंट चाहिए, वो हर एक पेरेंट्स चाहता है और होना भी चाहिए, क्यों नहीं, हर एक चाहेगा। और हम तो कहते हैं कि गुजराती में तो कहावत है, बाप करता बेटा सवाया, वो है कि जैसे गुरु से शिष्य आगे होना चाहिए, बाप से बेटा आगे होना चाहिए, वो अगर सवाया नहीं होगा तो वो आगे की जनरेशन टिक ही नहीं पाएगी। तो उनको जो है वो सब बनाना ही पड़ेगा। तो हर एक जो जाता है वो पेरेंट्स जो जाते हैं तो क्या ये है कि वो जैसी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को चाहें वैसी वो ला सकते हैं? इसका जवाब जो है वो हाँ, ये हो सकता है, ये भारत में ही हो सकता है, क्योंकि भारत का जो साइंस है आयुर्वेद है कि जिसके जिसमें जो बातें कही गई है जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उसी से ही ये पॉसिबल है। और ये सिर्फ आज तो ये बातें सिर्फ कॉन्सेप्ट लेवल पर नहीं है, ये जो है पूरे कॉन्सेप्ट को आज अप्लाई किया गया है और बहुत अच्छे परिणाम भी मिले हैं। मैं उन परिणामों की बात भी आपके सामने जरूर रखूंगी कि इसके लिए जो प्रोसीजर की गई थी हमारे ऋषि मुनि जो करते थे, आगे जो मैंने एग्जांपल आपको दिए कि भाई जो कयाधु की गर्भिणी परिचर्या का जो प्रोटोकॉल था या फिर जो रानी भदालसा ने जो फॉलो किया वो प्रक्रिया यानी संस्कार, संस्कार यानी कोई चूड़ी चप्पल बिंदी ऐसा नहीं, संस्कार यानी हमारी इंटरनल क्वालिटी और उसको बेस्ट बनाने के लिए जो भी प्रोसीजर फॉलो करनी है, ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया यानी संस्कार। जब मैं गर्भ संस्कार की बात कर रही हूँ तो उसके लिए चार स्टेज, एक है गर्भाधान पूर्व संस्कार कि जो पहले 90 दिन स्पर्म ओवम को कैसे बेस्ट किया जाए, उसमें क्या क्या स्टेप है मैं थोड़ा बहुत आगे में बात करूंगी। गर्भाधान संस्कार गर्भ का आधान करने के लिए, अच्छी आत्मा का आह्वान करने के लिए होने वाली प्रक्रिया यानी गर्भाधान संस्कार। तीसरा सगर्भा संस्कार जो कि 9 मंथ के दौरान उसे कैसे क्या क्या फॉलो करना है उसका प्रोटोकॉल यानी सगर्भा संस्कार और कुछ विशेष प्रक्रियाएं। वैसे तो जो मैं बताऊं 16 संस्कार जो हैं उसमें एक गर्भ संस्कार नहीं है, 16 संस्कार में से जो 3 संस्कार हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होते हैं, गर्भाधान पूर्ण समन और श्रीमंतोदय, ये 3 संस्कार होता है उसके दौरान। तो मैं आपको बताऊं कि वो मैं आगे बात करूंगी कि कब गर्भाधान संस्कार का क्या इम्पोर्टेंस है, समन का क्या इम्पोर्टेंस है और श्रीमंतोदय का क्या। जैसे मैंने बताया पहला स्टेप की जो मैं बात करूं कि गर्भाधान पूर्व संस्कार जो स्पर्म और ओवम को स्तंभ बनाने की प्रक्रिया, हमारे शरीर में जो हम आहार जो लेते हैं उसमें से जो प्रक्रिया मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म होते हुए प्रक्रिया में 70 दिन लगते हैं। तो ये जो है कि उसको उत्तम बनाना, वैसे तो शुक्राणु है, काउंट तो है, मोटिलिटी है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं ऐसा होने की पॉसिबिलिटी रहती है। कहीं आप देख सकते हो कि कहीं हेड डबल है, कहीं बॉडी डबल है, कहीं टेल डबल है, सबको उसकी शुद्धि उत्तम बनाना यानी जो पहला है वो सही है, तो उसको सबको इस में लाना उसके लिए जो प्रक्रिया करनी है उसके लिए 72 दिन का प्लान है। उसी तरह से ओजीनेसिस जो प्रक्रिया 62 डेज चलती है, तो उन दिनों के दौरान उसका खान पान आहार विहार सभी जो है वो इस पर इफेक्ट करने वाला है। शुरुआत कहाँ से होगी, एक दंपति जब हमारे पास आएगा तो उसकी जो शुरुआत होगी वो होगी उसके प्रकृति परीक्षण, पहले उसका प्रकृति परीक्षण क्या है,
और बाद में उसकी जो होगा वो देह शुद्धि, उसकी पहले अपनी है वो सेल्यूलर क्लींजिंग देह शुद्धि की प्रक्रिया करवाना, जो कि 15 दिन की, जो इसके साथ जुड़े हुए वैद्य हैं वो सब जानते हैं कि उसका क्या प्रोटोकॉल है 15 दिन का और कैसे हम देह शुद्धि की प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं। उसके बाद का जो है नाड़ी शुद्धि, जो कि निरंतर 72 दिन तक चलती रहेगी, उसमें अलग अलग जो प्राणायाम, नाड़ी शुद्धन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, इससे जो है वो शुद्धि की प्रक्रिया को कंप्लीट करना। क्योंकि क्यों ये सब करना है, क्योंकि अगर ये सब होता है तभी ही गर्भ के लिए बताए गए जो 6 फैक्टर्स हैं, मातृ पितृ सत्व सात्मज रसोजनात्मज, ये जो है इन फैक्टरों को अगर ठीक करना है, मातृज यानी हमारे शरीर के सॉफ्ट ऑर्गन, पितृज यानी शरीर के हार्ड जैसे हड्डियां, दांत, नाखून, ये सब जो है वो पितृज भाव है, वो सब जो चीजें हैं उसमें उसका पैटर्नल जींस डोमिनेंट रहेगा। और दूसरे 4 भाव, सात्विक भाव यानी इम्यूनिटी, रसद भाव यानी हर एक अंगव्यव का नॉरिशमेंट, तो ये सब जो है, ये सब ठीक करने के लिए, उन भावों को ठीक करना है तो पूरा 72 दिन में शरीर की शुद्धि और नाड़ी शुद्धि, और दूसरी में है कि आहार विहार आचार विचार, ये सब अगर सही तरह से होगा तो ही हम इनको ठीक कर पाएंगे। और माता का रोल विशेष रहता है, गर्भाशय है, ओव्यूलेशन वहीं पे होना है, मातृ के माता के शरीर में होना है, तो उस पर विशेष उसकी जिम्मेदारी रहेगी, तो वहां प्रक्रिया भी विशेष होगी, तो उत्तरवस्थी की प्रक्रिया जो माता में भी करनी है वो जो है वो गर्भाधान से पूर्व जो है वो उत्तरवस्थी की प्रक्रिया गर्भाशय शुद्धि के लिए, गर्भाशय पल्य के लिए, गर्भाशय के कोषों को अच्छा बनाने के लिए, तो ये पूरा जो प्रोटोकॉल है वो 90 दिन चलेगा, जिसमें ये सभी स्टेप जो है वो उन्हें फॉलो करने हैं। बाद ये क्यों होगा, तो ये जो इफेक्ट करेगा वो गर्भ के अलग अलग घटकों को ठीक करने के लिए, वो अगर ठीक होंगे तो गर्भ ठीक बनेगा। इसलिए कहते हैं कि फीटस तो एक हार्डवेयर है, ये सब उसके लिए सॉफ्टवेयर, तो ये सब ठीक होंगे तो उसमें से फीटस वो बेस्ट क्वालिटी का डेवलप होने वाला है। इसी तरह से सूक्ष्म से स्थूल तक, एक एक सूक्ष्म हमारे जो सर्कोशात्मक शरीर की जो बात की गई है उसमें एक एक सूक्ष्म से लेके हम ठीक करते जाएंगे तो उसमें सर्कोशात्मक शरीर बोलो या षड्भावात्मक बोलो, इन सब को पहले से ही ठीक करना है। उसके बाद वाला जो दूसरा प्रोटोकॉल आएगा वो होगा गर्भाधान संस्कार, दूसरा स्टेप, कि जिसमें भी उसके आहार विहार का आयोजन है वो कैसा होना चाहिए। शास्त्रों ने इसके लिए भी ये भी बहुत बात की है कि गर्भाधान संस्कार यानी एक आत्मा को लाने की प्रक्रिया, तो आत्मा जो आत्मज भाव जो है उसको अगर अच्छे लाने हैं तो ये जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना होगा। तो उस दौरान आहार विहार आचार विचार और साथ में गर्भाधान संस्कार की उस समय 7वें से 10वें दिन के दौरान एक विधि की जो पर्टिकुलर मंत्रों के साथ, पर्टिकुलर समित के साथ, यज्ञ के साथ कम्प्लीट होगी। यज्ञ यानी कहीं भी जाके यज्ञ कर लेंगे ऐसा नहीं, उसकी समिधि फिक्स है, उसके मंत्र फिक्स है, और उसी के साथ इस विधि को कंप्लीट करने से अच्छी आत्मा का आह्वान होगा जो गर्भ में आदान करेगी। तो उसके बाद जो है वो तीसरा जो स्टेप है वो है सगर्भा का संस्कार, जो 9 मंथ की जो परिचर्या है उसमें क्या क्या है उसको बेसिकली इन 4 फैक्टरों में डिवाइड किया गया है, आहार विहार रक्षा कर्म और सद्गुण। उसका जो आहार का आयोजन, वैसे तो बेसिकली ये 5 एलिमेंट से हमारा बॉडी बनता है, पेंटा एलिमेंट जो बताए गए, उसमें कौन से भावबुद्धि तरतम मात्रा में भी कितना किस क्वालिटी में चाहिएगा उसका आयोजन हम वैसे ही कर सकते हैं, क्योंकि तो हमें पता है कि 5 महाभूत उसका उसके क्या है, उसके टूल्स क्या है, कैसे हम उसको फुलफिल कर पाएंगे, तो ये जो है वो करना और उसी के अनुसार उसका आहार विहार का आयोजन बने। उसका जो आहार का आयोजन है आज जो फॉलो हो रहा है या फिर जो किया जा रहा है कि जब भी से प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है उस समय से मल्टीविटामिन दिए जा रहे हैं, कुछ आयरन सप्लीमेंट्री दिया जा रहा है, तो ये जो है आयुर्वेद शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है। आयुर्वेद शास्त्र ये कहता है कि हरेक मंथ वाइज अलग अलग रसों को कैसे देना, प्रथम मास से कललम जायते,
तब क्या चाहिए, तब शीतल और मधुर, शीतल प्रवाही मधुर, ऐसे जो भी तत्व हैं अगर फर्स्ट मंथ में दिए जाए तो उससे जो है वो बहुत अच्छी तरह से सेल का मल्टीप्लिकेशन होगा, ग्रोथ होगा और अच्छी तरह से गर्भ का विकास शुरू होगा। वही प्रक्रिया दूसरे मंथ में ज्यादा तेजी से बनेगी, तब अभी प्रवाही तरल नहीं चलेगा, अभी सेमी सॉलिड चाहिए, तो तब उसका आयोजन करना। तीसरे मंथ में जो बनना है, तीसरे मंथ में जो शुरुआत होती है वो जो बनते हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनते हैं। तो पर्टिकुलर जब तीसरा मंथ आएगा, इसमें मैंने सभी नहीं बताया है समय की मर्यादा, लेकिन मैं यहाँ तीसरे मंथ में जो बनता है वो इम्यूनिटी डेवलप होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के लिए तभी बनना शुरू होते हैं। तो हाँ, जो आचार्य चरक ने बताया कि मधु और घृत तब देना चाहिए, और मधु और घृत का जब यहाँ पे एक रिसर्च किया गया था यूनिवर्सिटी में, तो उससे बना कि मधु और घृत जो दिए जाते हैं उससे जो हुए इम्यूनोग्लोबुलिन्स अच्छी क्वालिटी के बनते हैं, और आचार्य चरक ने वो तीसरे मंथ में बताया है। और आज हम अगर उसको देखते हैं तो तीसरे मंथ में इम्यूनोग्लोबिन बनते हैं। तो अगर हम जो आज जिस एरा में से बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी अच्छी हो, इम्यूनिटी कैसे बढ़े, लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि जिन बच्चे को गर्भ संस्कार फॉलो करवाया जाएगा और उसको ये सब एंटीनेटल केयर के दौरान अगर तीसरे मंथ में ये दिया गया तो उसे लाइफ में कोई भी लॉकडाउन या अनलॉक होने से डरने की जरूरत नहीं है। आने वाले कई वायरस बैक्टीरिया आएंगे, उससे डरने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर तीसरे मंथ में ये अगर दे देते हैं तो उससे जो इम्यूनिटी है वही बहुत अच्छी तरह से अच्छी क्वालिटी की बनेगी। जब फिफ्थ मंथ है, पंचमे मनः प्रतिबुद्ध गर्भवती, जब मन का विकास है, सभी क्वालिटी सत्व भाव विकसित हो रहा है, सेंस ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, उसके रिसीवर्स बन रहे हैं, तब कौन सा आहार दिया जाए, तब जितने भी सफेद पदार्थ हैं वो दिए जाए, तब उसे बादाम अखरोट ये तत्व दिए जाए, तब उसे गाय का घी दिया जाए, तो उसे बहुत अच्छी तरह से है वो डेवलपमेंट जो उस समय हो रहा है। हाँ, मांस धातु और रक्त धातु का उपचय हो रहा है तो उसके लिए जो है मूंग चना चौरा तभी देने चाहिए, उसे उस समय दिए जाए, तो मांस और रक्त धातु का उपचय भी अच्छी तरह से होगा। सिक्स मंथ है, जो त्वचा बनती है, हड्डियों का विकास कंप्लीट होता है, तब क्या क्या दिया जाए, जितनी भी दूध से बनी हुई चीजें हैं, दूध की जो मलाई है उसका यूज किया जाए, तो उससे जो स्किन का सेल है वो बहुत अच्छी तरह से बनेगा। सातवां मंथ है, जब अभी जो है सर्वांग संपूर्णता की ओर जा रहा है, तब उसे मधुर रस देना है, लेकिन मधुर रस भी कैसे देना है, जैसे पैसन के लड्डू, मूंग दाल का हलवा, वो चीजें दे रहा है, तो मांस तत्व का उपचय भी अच्छी तरह से होगा, फीटस का वेट भी अच्छी तरह से गेन होगा, और सर्वांग संपूर्णता है वो बहुत अच्छी तरह से। तो ये हर मंथ के दौरान ऐसा आहार दिया जाए कि जिससे गर्भस्थ शिशु का विकास भी अच्छी तरह से हो, न सिर्फ शारीरिक विकास लेकिन मन का विकास भी अच्छी तरह से हो। जब उसके लिए जो गर्भविज्ञान अनुसंधान केंद्र ने तो कुछ उसके लिए ऐसी प्रिपरेशन बना दी है, ऐसे फॉर्मुलेशन डेवलप किए हैं कि जहाँ ये प्रश्न रहता है कि यहाँ घी नहीं मिलता है, दूध नहीं मिलता है गाय का, तो क्या करें, तो ऐसी ही चीजों गाय के दूध घी के साथ और ऐसी औषधियां जो उस समय पे जरूरी है उसके साथ ही एक ग्रेन्यूलर, उसके ग्रेन्यूल्स, जैसे हम बॉर्नविटा के ग्रेन्यूल्स रहते हैं, जैसे वो वैसे ही ग्रेन्यूल्स बना दिए गए कि जो हर ट्रिमेस्टर वाइज, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में कौन सा चाहिए तो गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए, जो सेकंड ट्रिमेस्टर है तब पंचमे मनः षष्ठे बुद्धि उसके लिए कौन सी औषधियां चाहिए, तो उससे सिद्ध करके जो तीसरा मंथ है जब सर्वांग संपूर्ण आता है, मांस धातु का उपचय है, तब कौन सी चीजें शास्त्रों में बताई हुई है, वो जो शास्त्र सम्मत बातों को आज कैसे देना उसको ध्यान में रखते हुए हुई प्रिपरेशन बनेगी। दूसरी बात आती है बिहार, डेली रूटीन कैसा रहे, कौन से वस्त्रों को धारण करना, कौन सा कलर हर एक मंथ के अकॉर्डिंग, कौन सा कलर लेना, कब कौन से योग कर लेना, कौन सा प्राणायाम करना, ये सभी जो है वो अच्छी तरह से जो भी अलग अलग केंद्र है वहाँ ये प्रोटोकॉल फॉलो करवाया जाना है। गुजरात में विद्या भारती के साथ ये प्रोजेक्ट चल रहा है, समर्थ भारत प्रकल्प करके, यहाँ का जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ गांधीधाम में अखिल भारतीय केंद्र बना है, सूरत में भी ये केंद्र है, तो इसी तरह से अलग अलग केंद्र, राजकोट में भी कामिनी गर्भ संस्कार करके केंद्र है, तो इसी तरह से 7 केंद्र गुजरात में है, वहाँ के जो ये पूरा प्रोटोकॉल है वो वहाँ पे उन्हें फॉलो करवाया जाता है, जो मैंने जैसे आपको बताया उसी तरह
तरह से ये सब फॉलो होता है कि कब कौन से योग प्राणायाम करना, कौन सा संगीत सुनना, 40 डेज का फीटर सब सुनता है, लेकिन पर्टिकुलर कौन सा कब सुनाया जाए, हमारे वेदों ने भी इसके लिए बहुत बताया, बहुत सूक्त बताए गए, वो सूक्तों को दे कब सुनाना, हर एक गर्भस्थ शिशु के लिए प्राण सूक्त है, फिर प्रसूति सूक्त है, गर्भाधान सूक्त है, गर्भद्रोहण सूक्त है, अलग अलग जो शास्त्रों वेदों ने बताए हुए सूक्त है, तो उसी को भी जो हर एक मन के हिसाब से राग है कि जो ऑर्गन्स के डेवलपमेंट पर इफेक्ट कर रहे हैं, तो उन्हीं रागों को, उन वेदों के सूक्तों को उन्हीं राग में कंपोज करके उसको सीडी बनाने का काम जो है वो भी यहाँ से हुआ है। वो भी यहाँ हर एक जो भी सगर्भा महिला इसके साथ जुड़ती है उन सबको ये सब दिया जाता है, कौन सी एक्टिविटी करवाया जाए, कब क्या प्रवृत्तियां करनी चाहिए, क्या क्या वो करे, जैसे खुद भी प्रफुल्लित रहे और बच्चे में भी अलग अलग जो गुणवत्ताएं हो कैसे विकसित कर ले, कब उसे माटी काम के साथ जोड़ दिया जाए, कब उसे क्राफ्टिंग के साथ जोड़ दिया जाए, कब उसे मैथ्स के साथ, सुडोकू पजल्स के साथ जोड़ दिया जाए, जब पंचमे मन वाली बात है तो उसकी विचार प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, षष्ठ बुद्धि वाली बात है तब उसे कौन सी प्रवृत्तियां करवा ली जाए, जिससे उसकी प्रवृत्तियों से आने वाले बच्चे के मन का विकास हम अच्छी तरह से कर ले, तो ये सभी जो है इसका पूरा प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो करवाया जाता है। जो तीसरा जो मैंने बताया रक्षा कर्म, वो जो संस्कार विधि है वो है हमारा तीसरा संस्कार सीमंतोनयन। एक्चुअली सीमंतोनयन संस्कार जो है वो पांचवे मास में जब सीमन संधि जब बनती है तब होने वाला संस्कार विधि है, कि जहाँ साम गान के साथ जो राग बताया गया है उसी से उसकी संस्कार विधि कंप्लीट होती है। उसमें भी एक यज्ञ होता है, उदुम्बर की लकड़ी से जो है वो कैसे उसे करवाया जाता है, कि वो उसको कैसे पूरी विधि जो है पंचमासी बांधना, उदुम्बर की लकड़ी से उसकी सीमन संधि का नौरिश करना, ये पूरी विधि जो है वो करवाई जाती है। तो वो जो है वो रक्षा कर्म है, वो रक्षा गर्भ की रक्षा के लिए होने वाला संस्कार है। सद्भृत मन कैसा होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि माँ का मन कैसा हो, वो क्या कर रही है, उसकी हर एक प्रवृत्ति के असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ने वाली है, तो उसका भी हमें उसे बताना होता है कि वो कौन से मन के दौरान क्या क्या प्रवृत्तियां करे और अपने मन को कैसे प्रफुल्लित रखे। जैसे हमारे शास्त्रों में बताया सौमन्य से जननम, अगर वो प्लेजेंट माइंड रहेगी तो ही गर्भस्थ शिशु का मन का विकास, शरीर का विकास अच्छी तरह से हो पाएगा। और हमें जो चाहिए अलग अलग क्वालिटी, आने वाले बच्चे को नेचर स्मार्ट बनाना है तो उससे इसी तरह की एक्टिविटी का आयोजन कर दो, आने वाले बच्चे के नंबर स्मार्टनेस के लिए 4-5 मंथ में कौन सी एक्टिविटी, कब उसे सुडोकू पजल्स मैथ्स के साथ किया जाए, संगीत के साथ हर दिन कैसे उसे जोड़े रखें, जिसके ये सब करने से हम जो है वो उनको हर एक क्वालिटी के साथ उन आने वाले बच्चे को जो है सेल्फ स्मार्ट बना पाएंगे। तो ये हर एक क्वालिटी ने जो आगे जो प्रोटोकॉल बताया उस प्रोटोकॉल को फॉलो करने से ये हर एक क्वालिटी उसके बच्चे में आ सकती है, वो सेल्फ स्मार्ट उस बच्चे को बना सकते हैं। जो बात है एक्चुअली अभिमन्यु की जो बात थी, तो मैं तो उसको इस एग्जांपल को ऐसे लेना चाहूंगी कि हमारे इतिहास में तो ये ऐसा एग्जाम्पल है जहां सिर्फ शारीरिक और मानसिक विकास की बात नहीं की गई, यहाँ तो ये एग्जाम्पल तो ऐसा था कि ज्ञान को भी जो है वो वहां पे कैसे देना, जो नॉलेज ट्रांसमिशन उसकी जो प्रक्रिया है उसका ये एग्जाम्पल है कि हम नॉलेज भी गर्भस्थ शिशु को दे सकते हैं। इसके साथ मैं बताना चाहूंगी मेरे एक दो एग्जाम्पल, जैसे वैसे तो अभी गुजरात में जो है वो 700 सूरत, गांधीधाम और जामनगर इसके कुल आंकड़े मिलाए तो करीबन 750 बालकों का जन्म हुआ। उसके मैं कुछ के आपके सामने वो डेटा भी रखूंगी कि क्या क्या आया है, लेकिन एक जानूंगी कि जो मेरे सामने आया था आज से 10 साल पहले, कपल आरती सुनील चंगाणी जो कपल आया उसने एक इच्छा मेरे सामने रखी कि हम ये प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहते हैं, प्रीनेटल पूरा प्रोटोकॉल जो 90 दिन पहले वाला है, गर्भस्थ गर्भावस्था के दौरान है, उसमें अलग अलग प्रक्रिया उन सबको फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन उसने एक विशेष इच्छा मेरे सामने रखी। आरती ने बताया था कि मैं
जब छोटी थी मेरी इच्छा थी कि मैं स्पोर्ट्स में आगे बढ़ूं, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस नहीं बन पाए और मैं नहीं जा पाई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्या ये क्वालिटी मेरे आने वाले बच्चे में आ सकती है। उसके लिए जो नॉर्मल प्रोटोकॉल तो फॉलो करवाया गया, लेकिन उसका विशेष तह जो उसे प्रोटोकॉल फॉलो करवाया गया कि हर दिन उसकी विशेष प्रक्रिया क्या रहेगी, परिणाम ये मिला कि आज उसकी बेटी 9 साल की है, हिया चंगाई, जिसके पास स्केटिंग के 25 नेशनल लेवल के मेडल्स हैं, वो राष्ट्रपति अवार्ड के लिए अप्लाई कर रही है। ये नाम के साथ तो मैंने इसलिए बताया कि ये ऑलरेडी मीडिया पब्लिश कर चुका है, तो ये जो बात है ये जो है वो हम कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहले होता था आज भी हो सकता है। और आज हम जो करते हैं उसको पूरे साइंटिफिक उसको इवेल्युएशन किया जाता है। जैसे संगीत का मैं एक बताऊं, जैसे ये आपके सामने जो पिक्चर है वो मेरे पास एक यहाँ की रिलायंस इंडस्ट्रीज से मैथिली सारथी करके वहाँ की जो टैलेंट मैनेजर थे उसकी जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो मेरे सामने मेरे पास आती थी और उसको हर मंथ का प्लानिंग बनता था। 7 मंथ के दौरान उसको रॉक म्यूजिक 11 मिनट तक सुना के और फिर उसका फीटल एक्सप्रेशन बॉडी कलर डॉक्टर सोनोग्राफी से देखा गया। ये जो था यहाँ की जो सोनोलॉजिस्ट है डॉक्टर पल्लवी मेहता उसके क्लिनिक में ये किया गया था। वापस उसे 1 घंटा रेस्ट करने के बाद उसे जो रूटीन वो जो सुक्तों वेदों के सुक्त वगैरह सुनती थी उसके बाद वापस उसको 11 मिनट तक वो सुनाए गए और वापस जो है वो बॉडी कलर डॉक्टर सोनोग्राफी किया गया था और उसके एक्सप्रेशन ये आपके सामने। तो ये जो बातें हैं कि हम उसको साइंटिफिक रिलेशन भी कर रहे हैं कि क्या क्या हम कर रहे हैं और इसकी इफेक्ट कहाँ होती है, उसी तरह से पढ़ने से क्या इफेक्ट होती है, कैसे वो मेंटल स्टेटस में चेंज लाता है और वो कैसे फिजिकल पर इफेक्ट कर सकता है। हाँ, हमारे पास जो डेटा है हर सेंटर में उसके डेटा मेंटेन होते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन में हम फिजिकल फिजियोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल और ओवरऑल हेल्थ उन सबको हम ऑब्जर्व करते हैं। उसमें जो अलग अलग फैक्टर्स है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट गेन कितना हुआ, तो जो अभी 476 के मैं आपके सामने रखूं तो उसमें 93% में ऐसा था कि 10 से 12 किलो वेट गेन नॉर्मली हुआ। उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल 10 से 12 के बीच में जो रहा वो 94% जो हमारे प्रतिभागी थे उसमें हमें ये देखने मिला। डिलीवरी वो तो मैं अभी जैसे कल ही मैं राजकोट थी, मेरी ओपीडी राजकोट थी, मैं वहां मुझे करीब सुबह मैं जब जा रही थी मुझे करीब 8 बजे फोन आया मेरी पेशेंट का, मेरे को लेबर पेन स्टार्ट हुए हैं, प्राइमरी पारा थी, फर्स्ट डिलीवरी और वो गई हॉस्पिटल क्योंकि हमारे पास लेबर की व्यवस्था यहाँ पे नहीं की है, वो जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वही उन्हें करवाते हैं। वो वहां पे गई तो मेरे को वापस दिन को 2:30 बजे फोन आया कि मैडम नॉर्मल लेबर हुआ है, 3.6 kg वेट है। तो ये जो है कि 3.6 kg वेट और इजीली नॉर्मल लेबर, तो ये मैं बताना चाहूंगी कि 79% में यही हुआ। तो ये जो बात है आज जो है वो नॉर्मल डिलीवरी का रेशियो कहीं ना कहीं 60% ही रह गया, बाकी जो हो रहा है वो सी सेक्शन ज्यादा हो रहा है। तो ये जो बात है कि हम 9 मंथ के दौरान, ये तो प्रोटोकॉल फॉलो होता है कि 9 मंथ के दौरान विशेषतः उन्हें योग बस्ती दी जाती है जिसकी वजह से भी यूटेराइन मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़े उससे भी शायद हमें ये परिणाम बहुत अच्छी तरह से मिलता है। बाद में उन्हें लैक्टेशन कैसे हुआ वो कैसे एस्टेब्लिशमेंट समय पर होना और क्वालिटी भी कैसी रही उसको भी हम जो परीक्षण करते हैं तो 93% में हमें ये देखने मिला कि लैक्टेशन का एस्टैब्लिशमेंट भी टाइम पे और क्वालिटी भी उसी तरह से रही, वेट बर्थ टाइम पे कितना रहा। तो 2.5 से 3.5 kg वेट के जो बच्चे थे वो 84.8% थे जो कि हमारे भारत के हिसाब से नॉर्मल है। उनके माइलस्टोन्स कैसे कम्प्लीट हो रहे हैं उसको भी हम जज कर रहे हैं, जो 60% जो उसके माइलस्टोन थे वो इन टाइम कम्प्लीट हो रहे थे। कुछ प्रक्रियाओं को हमने विशेष भी नोट किया है जैसे दांत आने की प्रक्रिया को कि उस समय कॉम्प्लिकेशन कितने हो रहे थे, लेकिन देखने ये मिला कि करीबन हमें जो देखने मिला कि 16 बच्चों को कॉम्प्लिकेशन हुए थे, बाकी पर 50% बच्चों को तो वह भी कम्प्लेन नहीं हुई है। आईसीएमआर का जो ग्रोथ चार्ट है उससे भी उसे कंपेयर किया जा रहा है
हमें कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे भी थे, हमने कुछ उसको कंपेरेटिव स्टडी भी किया है कि जिन दंपतियों के पहले बच्चे थे और दूसरे बच्चे के दौरान उन्होंने गर्भ संस्कार को फॉलो किया हो, तो उन दोनों की जो कंपेरेटिव स्टडी किया गया कि पहले और दूसरे में क्या अंतर देखने मिल रहा है, तो उसका हमें यह देखने मिला था कि पहले बच्चों के लिए उनका कहना यह था कि हमें बार बार बच्चा बीमार पड़ता था, उसकी हेल्थ जैसे ही सीजन बदलती थी हमें डॉक्टर विजिट की जरूरत पड़ती, लेकिन जिसमें दूसरे बच्चे में ये हमें बहुत कम से कम जरूरत पड़ रही है। दूसरे बच्चा पहले बच्चे की कंपैरिजन हमें कोई भी बात हमें उसको सुलाना उठाना खिलाना उसमें हमें कम से कम एफर्ट लेने पड़ रहे हैं, और उसका जो है प्रोनाउंसिएशन भी कंपैरेटिवली पहले बच्चे से ज्यादा शार्प है, ज्यादा क्लियर है। तो ये जो है उसके भी इस तरह से चार्ट भी बने हुए हैं कि क्या हमें देखने मिला था। तो ये है जो मैं बात कर रही थी जेनेटिक साइंस की, तो हमें कुछ ऐसे डिजीज में भी जिसको थैलेसीमिया मेजर पहले बच्चे में था और उसकी उस बच्चे की उसकी वजह से डेथ या फिर बच्चा है तो थैलेसीमिया मेजर से सफर होना है। गांधीधाम में एक दूसरा कपल ऑस्टियोपेट्रोसिस का था, जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी का भी एक कपल जो था कि उसके पेक्ट्रोसिस में तो उसके फर्स्ट चाइल्ड की डेथ भी हुई थी। ऐसे भी जो है अभी तक कुल मिला के ये भी हमारे सामने ऐसे कॉन्जेनिटल डिसीज या जेनेटिक डिसीज के भी केसेस आए हैं जिनको भी हमने प्रीनेटल ट्रीटमेंट से ट्रीट किया है, जिनके भी डाटा पूरे सेंटरों पर अवेलेबल है। तो ये जो है वो हमें जो परिणाम मिल रहे हैं गर्भ संस्कार के, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। बेदगरबा जो कि गर्भ संस्कार के लिए कार्यरत केंद्र है, बेदगर बिहार जो मैंने आगे संस्कार प्रक्रिया बताई कि जो हमें गर्भाधान संस्कार के दौरान कैसा वातावरण रहना चाहिए, तो हमने एक प्रयास किया है कि ये नेचुरली यहाँ पे कोई भी तरह की सीमेंट या कंक्रीट का भी यूज नहीं है, यहाँ पे प्लास्टिक अंदर ले जाने की मना है, ऐसा एक हमने छोटा सा एक मॉडल बनाया है। आप गुजरात में आए तो जरूर मेरी विनंती है कि आइए इस सेंटर पर जहाँ गर्भाधान संस्कार की प्रक्रिया होती है, उन गर्भवती महिलाओं को बुलाया जाता है, उन्हें वहाँ पे उस नेचर के साथ जोड़ा जाता है और अलग अलग प्रवृत्तियां कराई जाती है जिससे उसका गर्भस्थ शिशु का बहुत अच्छी तरह से विकास हो। जामनगर से 5 किलोमीटर दूर एक पीबावर करके गाँव, उस गाँव में ये गर्भ संस्कार की आरोग्य भारती की ओर से और गर्भ विज्ञान अनुसंधान केंद्र का ये ज्वाइंटली प्रोजेक्ट चल रहा है। आज उस प्रोजेक्ट को 3 साल हो गए हैं। माननीय अशोक त्रिपाठी से ही प्रेरणा से और उन्होंने ही उस सेंटर का उद्घाटित किया था। तो आज उस मैं तो ये गांव की बात तो इसलिए करना चाहूंगी कि उस गांव ने निश्चय किया है कि अभी आने वाले वर्षों में वो गाँव का एक ही बच्चा गर्भ संस्कार के बिना जन्म नहीं लेगा। आप आए गुजरात तो इस गांव की भी मुलाकात ले सकते हो कि एक गांव कैसे नीचे ले सकता है और एक गांव कैसे ये प्रक्रिया को फॉलो करवाता है। इसके लिए उसकी गायें भी बनी हुई है कि उत्तम संतति का विज्ञान गर्भिणी परिचर्या, ये 2010 की साल में उसको विमोचित की गई थी पर पूज्य सत्संग जी अनंत सुदर्शन के हाथ में। उसके लिए वेबसाइट भी है, विजिट कर सकते हैं। बस उद्देश्य है ये विषय का पूरा राष्ट्र को समर्पित है। राष्ट्र को अगर हमें सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें बच्चे को ही बनाना पड़ेगा। भविष्यत का वाक्य है बालो भी बलम राष्ट्र से। यही उद्देश्य से कि यही जो एम है यही उद्देश्य से इस विषय पर काम जो है वो चल रहा है। अभी तो गुजरात में चल रहा है, अलग अलग राज्यों में भी इसको कैसे बढ़े उसके भी प्रयास हो रहे हैं कि हर एक राज्य में अच्छी तरह से इसके केंद्र बने। डॉक्टरों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है कि जिससे हमारे जितने भी वैद्य इस काम को आगे बढ़ाएंगे उतना अच्छी तरह से हम हर एक जन जन तक पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए डॉक्टरों का प्रशिक्षण करना ये भी एक काम जो है वो चल रहा है। तो डॉक्टरों का ट्रेनिंग प्रोग्राम इसके लिए पूरा बनाया गया है। अभी तक 15 ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कम्प्लीट हो चुके हैं और अलग अलग राज्यों में भी ये काम जो है वो फैल रहा है। तो बस यही विषय मैंने आपके सामने रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना समय दिया सुना। तो आगे जैसे भी मनिंदर जी बताएंगे वैसे कार्यक्रम को।
को आगे बढ़ें। मेरा विषय यहाँ में समाप्त है। धन्यवाद डॉक्टर करिश्मा जी, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने अपना समय सही लिया और अपना विषय जो है बहुत खूबसूरती से रखा है आपने। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आज के समय में हालांकि हम आपके खासतौर पर हम सबके प्रयासों से धीरे धीरे समाज में ये चेतना थोड़ी जागृत गर्भ संस्कार के प्रति हो रही है, लेकिन फिर भी लोगों को अभी ये समझना बहुत जरूरी है कि गर्भ संस्कार जो है ये फुली साइंटिफिक है पूरी तरह से, और लेकिन गर्भ संस्कार को अगर हम विधि पूर्वक इसका पालन करते हैं तो हम उसका सॉफ्टवेयर भी इम्प्रूव कर सकते हैं, बल्कि इसके एक लेवल आगे जाए तो हम ने अपना ये विषय जो है हमारे सामने इतना बखूबी रखा है। अब मैं डॉक्टर सुनती गुप्ता जी क्या इस सर खाता बदल दी कंपनी को नहीं है। हां जी धन्यवाद मैं सुंदर जी, धन्यवाद कॉलिंग वाले बहुत ज्यादा है। और दिस वेबिनार मैं डॉक्टर सुनीता आज के वेबिनार सभी अतिथिगणों का और श्रोताओं का दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की बहुत धन्यवाद, मुझे विशेष धन्यवाद आपकी गर्व महसूस हो रहा है। आज आपकी स्पीच है डॉक्टर आशा शुक्ला जी तथा डॉक्टर कृष्णा नरवानी जी का पाठ प्रकट करते हैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आज इतना ज्ञान हमें से मिला है। और ये हम अगर सारे सफर सभी लोगों में बांटेंगे तो मुझे लगता है कि पूरा देश का निर्माण बदल जाएगा। जिस एक गाँव का हुआ है हम तो पूरा चाहेंगे कि ऐसा कायाकल्प हो जाए। और तो आपने आज हमें बताया डॉक्टर आशा जी का मुझे स्पेशल धन्यवाद इसलिए करना है कि वो इतनी बिजी रहती हैं अपने कार्यों में, पर गर्भ संस्कार जैसे गंभीर सब्जेक्ट के लिए उन्होंने अपना हमारे लिए टाइम निकाला और अपना ज्ञान प्रकाशित करने के लिए जो हमारे साथ साझा किया उसे बहुत इसलिए धन्यवाद। और साइंस और स्पेशलिटी के साथ उन्होंने जो गर्भ धारण का संबंध जोड़ा वो हमें बहुत ही ज्ञान अध्यक्ष रहा। मैं डॉक्टर कृष्णा नरवानी का भी आभारी रहूंगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विषय में स्टेप बाय स्टेप इतने आसानी तो मैं हम लोगों को ये मार्गदर्शन दिया कि आने वाली पीढ़ी को हम किस तरह से श्रेष्ठ बना सकते हैं, कैसे सक्षम और लॉकडाउन भी बना सकते हैं। ये तो बड़ा ही अच्छा हमें समझाया कि आगे आने वाले थर्ड मंथ में ही हम इम्यूनिटी को स्टॉक करते हैं, तो ये जो है बच्चों को उससे हम पा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर विजिटिंग एंड एनलाइटनिंग अस विद योर नॉलेज एंड ऑल्सो रिवील्ड सम इंटरेस्टिंग फैक्ट। मैं हमारी परमट हमारी कार्यकर्ता मिस मनिंदर कौर जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो अच्छे अच्छे से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती रहती है और वो पूरी तरह आप सभी के भीतर मुझे परमात्मा को मेरा नमस्कार। सरोज जी कैसे हो? जी नमस्कार, बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया सेशन लिया आपने, बहुत समय से बात, बहुत सालों बाद। हाँ हम लोग एक दूसरे रीता जी भी है, रीता जी श्रीवास्तव जी, बिल्कुल बिल्कुल मनेंद्र जी आपकी बहुत अच्छी बहुत अच्छा आपने सेशन करवाए, हम सभी के ही प्रयासों से है जी। हाँ। बोला कि आप सुनो, मैं प्रेग्नेंट है, मैंने बोला कि करिश्मा जी का गर्भ संस्कार की स्पीच आ रहा है, आप सुन रहे हैं यहाँ पर। हमें जाकर समिति की कार्यवाही का हूँ, मुझे लगता है कि मैंने समिति की अखिल भारतीय बैठक में भी आपका एक बार विषय सुना था, हो सकता है थोड़ा मुझे याद है,
एक बार आई थी अखिल भारतीय बैठक में। मैंने वहाँ भी सुना, मुझे दोबारा से सुनने की इच्छा थी। आज तो सच में ऐसा लगा मनिंदर दीदी ने सौभाग्य जगा दिया। मैंने तो पूरे परिवार बिठा के सुनाया, मेरा बेटा भी बड़ा है। मैं मुझे लगे कि आज तो सभी परिवार सुने, सच में कितना अच्छा लगा। बहुत ही सौभाग्यशाली हम सब। बिल्कुल अच्छा लगा। हर पीढ़ी सुनेगी तो आगे आने वाली पीढ़ियां सोच सकते हैं कि जो है वो दिव्य सुनाने और देश को आगे लेके जाएंगे। मैं अभी मंच बना के बैठी थी, मैं अपने तो मैं अपनी हेलो हेलो जी राखी जी, शायद आपका कोई प्रश्न है, आप रखना चाहिए। जी मैं पहली बार आपका ये मतलब लिंक मिला तो उसके थ्रू हम जुड़े, उसके लिए बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा सेशन था। लेकिन हमारा इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा प्रॉब्लम था, बीच में कुछ कुछ पार्ट हम मिस कर गए मतलब इंटरनेट की वजह से। तो ऐसे ये वीडियो कहीं लाइव वीडियो बाद में भी अपलोड मिलेगा आपको? मेरा आरोग्य भारती ये HP जो पपरोला है उसके फेसबुक पेज पे ये अवेलेबल है, आप उससे सुन सकते हैं। अच्छा मैम फिर से एक बार बता दीजिए ना, तो हम आरोग्य भारती पपरोला के फेसबुक पेज पे ये अवेलेबल है, आप उसको विजिट करके आप सुन सकते हैं। अच्छा आरोग्य भारती पपरोला। अच्छा मैम बहुत बहुत अच्छा सेशन था मैम, बहुत इन्फॉर्मेटिव था और बहुत ही अच्छा लगा सुन के। चलिए अब हम शांति मंत्र के साथ अपने सेशन की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। मैं रीटा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी शांति मंत्र के लिए। रीटा समक्ष आए जी, हमारे समक्ष आए। मनिंदर जी धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आज का सेशन बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। सभी ने देखा कि बहुत रुचि से कार्यक्रम को सुना और जानकारी ली। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो अब हम शांति मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। सभी आंखें बंद करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ द्यों शांति अंतरिक्ष द्वं, शांति पृथ्वी, शांति रापा, शांति रोषधय, शांति वनस्पतय, शांति ब्रह्म, शांति सर्वं, शांति शांतिरेव, शांति सामा, शांति रेधि। ॐ शांति ही, शांति ही, शांति ही। ॐ सभी को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी।